एकीकरण का, ये आम जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसी के लिए भी लाभ में नहीं। जो आपने ये स्कीम लेके आए हो कि आप बड़े पूंजीपति को रेल को सौंपना चाहते हो, हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे देश के अंदर तकनीक की पढ़ाई की हुआ विद्यार्थी, आईटी, पॉलिटेक्निकल, हर तरीके का विद्यार्थी बेरोजगार हो जाएगा। पूंजीपति की चलेगी, अगर रेल किराया इसका अगर बढ़ेगा, और जो सस्ती और सुरक्षात्मक यात्रा थी, ये हमारी रेल प्राचीन धरोहर है, जो इसको ख़त्म करने का केंद्र सरकार जो योजना लेके आई है, हम ये मनसूबे केंद्र सरकार के कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए हमारी ये सफाई ये मांग करती है कि जो आपने निजीकरण का फैसला लिया है, ये फैसला वापस लो, वरना पूरा देश का विद्यार्थी, बेरोजगार युवा और आम जनता आपके इस निजीकरण के फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। ठीक।